मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची के तलबा और तलबात की जानिब से मुनक्कद सिंधी सकाफती प्रोग्राम सकाफती अंदाज में शानदार तरीके से मनाया गया। तकरीब में कानून के तलबा और तलबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि इदारे के प्रिंसिपल फरीद अहमद दायो, बैरिस्टर खुर्शीद अहमद हाशमी ने भी खसूसी शिरकत की। इस प्रोग्राम को तलबा रहनुमाओं शहबाज पताफी, किफायतुल्ला तीनो, प्रिय सुमरो, फायजा मंगरेओ, सना जज, इब्राहिम हुसैन फयाज जुनेजो और दीगर ने ऑर्गेनाइज किया। प्रोग्राम में लड़के और लड़कियों ने सकाफती लिबास पहन रखे थे, जबकि सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज को अजरक से सजाया हुआ था, जो समा यकीनन कॉलेज की जीनत को बढ़ाने का सबब बना। इस मौके पर बच्चों और बच्चियों ने मुख्तलिफ सकाफती गीतों पर रक्स भी किया। इस मौके पर तलबात ने तकारीर की और कहा कि सिंधी सकाफत दुनिया की तमाम तहजीबों और सकाफतों की माँ की हैसियत रखती है। हम समझते हैं कि सकाफत के हर पहलू को बरकरार रख के आगे बढ़ाते रहना हम नौजवानों का अव्वलीन फ़र्ज है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान बनने में सिंध के बाशिंदों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, मगर बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि सिंध के बड़े शहरों में खसूसन तालीमी इदारों में सिंधी तलबा और सिंधी जबान को नज़रअंदाज करने की रवायत अपनी जड़ें गाड़ती जा रही है। आज इस मौके पर हम आपस में ये वचन करते हैं कि सकाफत के दीगर पहलुओं को उजागर करने के साथ साथ सिंधी जबान को तालीमी इदारों में उसकी हैसियत को भी बहाल करते रहने में हम कोशां रहेंगे। अमीन फारूकी, फायर स्टोर न्यूज़, ठट्टा, सिंध।